तेलंगाना में 7 साल की रिलेशनशिप के बाद समलैंगिक जोड़ी ने रचाई शादी, वायरल हुई तस्वीरें। इन समलैंगिक पुरुषों ने आपस में शादी रचा ली है, जो तेलंगाना का पहला गे कपल माना जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आजकल शादी का सीजन बना हुआ है, ऐसे में आपने अक्सर किसी न किसी की शादी होने की खबर जरूर सुनी होगी। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि शादी के बारे में जो 100 में से 1 में सुनने या देखने को मिलती है, वो है समलैंगिक पुरुषों की शादी। आपको बता दें, तेलंगाना में पहली बार समलैंगिक पुरुषों का एक जोड़ा 10 साल के लंबे रिश्ते के बाद शादी के पवित्र बंधन में बंध गए हैं। इस जोड़े ने 18 दिसंबर को शहर के बाहर इलाके में आयोजित एक निजी समारोह में बहुत ही धूमधाम से शादी रचाई। बताया जा रहा है कि समलैंगिक जोड़े के दोस्त ने सोफिया डेविड ने ये शादी करवाई है। अपनी शादी को लेकर सुप्रियो ने कहा है कि इसने सभी को संदेश दिया है कि सुख से रहने की किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। इस जोड़े को तेलंगाना का पहला समलैंगिक जोड़ा माना जा रहा है, जिन्होंने अपने रिश्ते को शादी का नाम दिया है। साथ ही ये जानकारी दे दे कि समारोह में बंगाली और पंजाबी दोनों की रस्में देखी गई हैं, क्योंकि सुप्रियो कोलकाता से है तो वहीं अभय दिल्ली से है। शादी में बैंड, बाजा, मेहंदी, रिंग सेरेमनी जैसे रस्में भी निभाई गई। सिर्फ इतना ही नहीं, शादी समारोह में जोड़े के परिवार के लोग और उनके दोस्त भी इकट्ठा हुए थे। सुप्रियो चक्रवर्ती और अभय डांगा पिछले 10 साल से एक दूसरे को जानते हैं। जब दोनों को महसूस हुआ कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक साथ दोनों जिंदगी बिताना चाहते हैं, तो दोनों ने शादी के बंधन में बंधने का फैसला। सुप्रियो ने कहा कि हालांकि शादी को रजिस्टर नहीं करा जा सकता, लेकिन समारोह में परिवार के लोग और दोस्त ही इकट्ठा हुए थे। 31 वर्षीय सुप्रियो और 34 वर्षीय अभय ने एक दूसरे को अंगूठियां पहनाई और शनिवार को यहां पास के एक रिजॉर्ट में हुए एक विवाह समारोह में उम्र भर साथ मरने जीने की कसम खाई। शादी में आए एक गेस्ट ने कहा कि धीरे धीरे लोगों की सोच बदल रही है। आज का नजारा देखकर उन्हें एहसास हो रहा है कि समाज बदल रहा है। फिलहाल ये शादी खूब चर्चा बिटोर रही है। सच्ची में ऐसी शादी बहुत कम ही देखने और सुनने को मिलती है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। इस वीडियो में इतना।